तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सनी देओल जो कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार माने जाते हैं और 90 के दशक के सबसे बड़े एक्शन हीरो माने जाते थे और आज भी उनकी टॉप एक्शन फिल्में आती है, लेकिन होपफुली इतनी तगड़ी कमाई नहीं कर पा रही है जितना गदर एक प्रेम कथा, बॉर्डर, यमला पगला दीवाना द हीरो और गदर एक प्रेम कथा की तो अपनी हिस्ट्री फिल्म ने इतिहास रची थी। लेकिन पाजी तैयार है बाउंस बैक करने के लिए, तो जय हिंद वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सनी देओल पाजी की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2021, 2022 एंड 2023 में रिलीज होने वाली है। अगर आप पाजी के फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो करो। नंबर वन द ब्लाइंड केस, और ये एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में सनी देओल की रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले तेलुगु डायरेक्टर हनु राघव पुड़ी, जो कि लाए कृष्णा गादा, वीरा प्रेमा गधा, पड़ी पड़ी लाची मनसु जैसी फिल्में दे चुके हैं। उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दुलकर सलमान के साथ एक अनटाइटल फिल्म आने वाली जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी और द ब्लाइंड केस समटाइम 2021 में आने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये फिल्म के अनाउंसमेंट के समय पाजी ने कुछ ये कहा था, द कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन टिल डेट। तो समझ रहे हो फिल्म हटके होने वाली है। और ये फिल्म में सनी देओल एक ब्लाइंड आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले जो कि एक अंधा होता है, कैसे वो 4 यंगस्टर की हेल्प करता है बुराई से बचाने के लिए। तो कुछ प्लॉट कुछ डिफरेंट लग रहा है और ये फिल्म बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। और ये फिल्म से हनु राघव पुड़ी बॉलीवुड डेब्यूट करने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट। नंबर टू, अपने टू। फाइनली ये फिल्म का 13 ईयर्स बाद सीक्वल बनने जा रहा है और धर्मेंद्र देओल पाजी को ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और ये फिल्म धर्मेंद्र देओल, सनी देओल, बॉबी देओल की फर्स्ट फीचर फिल्म थी, आप लोगों को याद ही होगा। और ये फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इस समय इस फिल्म को IMDb पर 10/6 की रेटिंग मिल चुकी है और ये फिल्म में बहुत ही एक्सीलेंट ओपनिंग ली थी इंडिया और ओवरसीज में। और ये फिल्म एक हिट फिल्म थी और ये फिल्म एक स्पोर्ट ड्रामा एक्शन फिल्म थी। फिल्म में सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र देओल, कैटरीना कैफ, किरण खेर, शिल्पा शेट्टी की रोल प्ले कर चुके हैं। फिल्म को डायरेक्शन दिए थे अनिल शर्मा, जो कि गदर 2, इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, जीनियर जो कि उनकी लास्ट फिल्म थी द हीरो, गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्में दे चुके हैं। अब पार्ट 2 के भी यही डायरेक्टर होने वाले हैं, लेकिन पार्ट 1 की स्क्रीन पे स्टोरी लिखे थे नीरज पाठक, लेकिन पार्ट 2 की स्टोरी अनिल शर्मा तैयार कर रहे हैं और स्क्रीन प्ले भी यही लिखने वाले हैं। और ये फिल्म समटाइम 2022 में रिलीज होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाली है और मुंबई और लंदन में फिल्म की शूटिंग होगी। और ये फिल्म का प्लॉट डिफरेंट होने वाला है। धर्मेंद्र देओल जी बॉक्सर बनेंगे, फिर सनी देओल, पाजी और बॉबी देओल उनका सपना पूरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म की डिफरेंट स्टोरी होने वाली है। और ये फिल्म की कास्ट में कंफर्म है, धर्मेंद्र देओल, सनी देओल, बॉबी देओल कंफर्म है और मे बी करण देओल इस फिल्म का पार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग इनको देखना पसंद करोगे कि नहीं, आप लोग बता सकते हो अपना ओपिनियन। नंबर 3, चीयर सेलिब्रेट लाइफ, और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में धर्मेंद्र देओल, बॉबी देओल, सनी देओल की रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले संगीत सीवान और ये फिल्म टोटली कंप्लीट हो चुकी है, खुश हो जाओ। और ये फिल्म के प्रोड्यूसर होने वाले सनी देओल पाजी और धर्मेंद्र देओल जी और ये फिल्म समटाइम 2021 में रिलीज होने वाली है। और ये फिल्म कॉमेडी फिल्म होने वाली है जो कि फादर और सन के रिलेशनशिप पे फोकस करने वाली है। फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा होने वाला है। नंबर 4, ऑल टाइम क्लासिक फिल्म दामिनी फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है और ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन सेंट्रिक फिल्म मानी जाती है बॉलीवुड की। ऐसी फिल्म ना बनी थी ना बनेगी, ना मुमकिन है भाई। और ये फिल्म 6 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, 6वें नंबर पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी 1993 की। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म को IMDb पे 10/7.8 की रेटिंग मिल चुकी है और ये फिल्म की राइट सनी देओल पाजी खरीद चुके हैं, राइट चिली एंटरटेनमेंट से हिंदी राइट। और ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी 1993 की। इस फिल्म में हम लोग को मीनाक्षी सेसाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी की रोल प्ले कर चुके हैं। और इस फिल्म के रीमेक में करण देओल जो कि शेखर गुप्ता का रोल प्ले करेंगे दामिनी के हस्बैंड का, या गोविंद मेहरा लॉयर का रोल प्ले करेंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। आप लोगों को करण देओल किस रोल में शूट करेंगे, शेखर गुप्ता या गोविंद मेहरा? मुझे लगता है कि शेखर गुप्ता शूट करेंगे, अपना ओपिनियन दो। गोविंद मेहरा लॉयर भाई, सनी देओल के टक्कर का कोई नहीं है। फिल्म को डायरेक्शन दिए थे राजकुमार संतोषी, जो कि घायल और घातक जैसी फिल्में दे चुके हैं। और इस फिल्म को डायरेक्शन कौन देने वाला है अभी तक कंफर्म नहीं है। और ये फिल्म समटाइम 2022 में आने वाली है। और ये फिल्म का रीमेक तेलुगु, तमिल, बांग्लादेश, ओरियो में बन चुका है, उर्मिला, प्रियंका ये नाम से बन चुका है। गायत्री, घायल और घायल्स ओन सेकेंड्स को ब्रिलियंट रिस्पॉन्स मिलने के बाद सनी देओल ने एक्सप्रेस किया कि ये फिल्म का थर्ड पार्ट बनाने वाले हैं, तो मिठाई बंटवा दो। और ये फिल्म एक एक्शन फिल्म थी। फिल्म के पार्ट 1 में हम लोग को सनी देओल, मीनाक्षी सेसाद्री, राज बाबर, अमरीश पुरी की रोल प्ले कर चुके हैं। और ये फिल्म सेकेंड हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी 1993 की और ये फिल्म सुपरहिट हुई थी।
पार्ट टू में हम लोग को सनी देओल, सोहा अली खान, ओम पुरी, ऋषभ अरोरा, डायना खान, टिस्का चोपड़ा दिखाई दे चुके हैं और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म थी। पार्ट वन को डायरेक्शन दिए थे राजकुमार संतोष जी और पार्ट टू को सनी देओल, और कौन बोलते हैं सनी देओल परफेक्टली डायरेक्शन नहीं देते। घायल सोचो गए और दिल लगी इतनी अच्छी से बनाया सनी देओल ने, इसीलिए इस फिल्म को IMDb पर 10/6.8 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटो 16% का रिस्पॉन्स मिल चुका है। पल दिल के पास में थोड़ा सा वीक बढ़ गए हैं, यस और नो करके आप लोग बता सकते हो। और ये फिल्म के पार्ट थ्री में सनी देओल दिखाई देने वाले और ये फिल्म 2023 तक जा सकती है। नंबर 6 नेटफ्लिक्स अनटाइटल फिल्म ब्रोचेवारेवरुरा नेटफ्लिक्स, और ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में हम लोग को करण देओल एज अ लीड डायरेक्टर दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के डायरेक्टर होने वाले सनी देओल पाजी और ये फिल्म की शूटिंग अगले साल से 2021 से कोलकाता में स्टार्ट होने वाली है। और ये फिल्म से करण देओल और सनी देओल डिजिटली डेब्यूट करने वाले हैं, उससे पहले बॉबी देओल की क्लास ऑफ 83 जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ब्रोचेवारेवरुरा और ये फिल्म की हिंदी राइट सनी देओल पाजी खरीद चुके हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु फिल्म थी 2019 की। इस फिल्म को 10/8 की रेटिंग मिल चुकी है और ये फिल्म में करण देओल कंफर्म है। अभी सनी देओल इस फिल्म को कैसे बनाने वाले अभी तक नहीं मालूम है और ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर थे विवेक एत्रिया और ये फिल्म 28 जून को रिलीज हो चुकी है। नंबर 7 फतेह सिंह, और ये सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को अभी फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से होल्ड पे रखा गया है और फिल्म के डायरेक्टर होने वाले राजकुमार संतोषी, एज अ डायरेक्टर उनकी रिसेंट फिल्म आने वाली बैड बॉय करके जो कि मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की डेब्यू फिल्म होने वाली है नमोसी चक्रवर्ती की, तो ऑल द बेस्ट। और ये फिल्म फ्यूचर में कभी भी रिलीज हो सकती है, डेट कंफर्म नहीं है अभी तक। नंबर 8 पे दो फिल्म लेके चलो, गणित और द मैन। गणित जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली थी, इसका सीनारियो यूपी में बेस होने वाला था और ये फिल्म में सनी देओल के अपोजिट दो मेल लीड्स और 3 फीमेल लीड्स दिखाई देने वाली थी, लेकिन अभी तक ये फिल्म के बारे में कुछ अपडेट नहीं आई है। और ये फिल्म का अनाउंसमेंट 2010 में हुआ था और ये फिल्म 2011 में रिलीज होने वाली थी, अभी तक ये फिल्म के बारे में कुछ अपडेट ही नहीं आ रही है। और ये फिल्म के डायरेक्टर होने वाले थे नीरज पाठक जो कि राइट या रॉन्ग और भैया जी सुपर हिट जैसी फिल्में दे चुके हैं और ये फिल्म देखते कब रिलीज होती है। द मैन, सर इस फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, ये फिल्म बहुत ही पहले से रिलीज हो रही है, बहुत ही पहले से, अभी तक फिल्म के बारे में कुछ अपडेट नहीं आ रही है और ये फिल्म बनेगी कि नहीं किसी को नहीं मालूम है, अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करो, लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक करो। और ये रहा लिस्ट आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट करो बता सकते हो मुझे, मैं द ब्लाइंड केस अपने 2 के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट करो हर लोग का कमेंट चाहिए मुझे। और गदर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आप वेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग मिलके वेट करें और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है। और ये फिल्म की स्टोरी अनिल शर्मा तैयार नहीं कर पा रहे, अपने 2 की स्टोरी तैयार हो चुकी है लेकिन ये फिल्म की स्टोरी तैयार नहीं हो पा रही है। आप लोग को स्टोरी मालूम है तो आप लोग बता सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। और ये फिल्म देखते हैं कब रिलीज होती है, सभी को मालूम है ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो हिस्ट्री रच रहेगी, देखते हैं ये फिल्म कब तक रिलीज होती है और ये फिल्म के बारे में अपडेट आते हैं तो मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा। और कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, करो, सब्सक्राइब करने से आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।